सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हिंदी व्याकरण में हम पाठ 9 पढ़ रहे हैं। विशेषण परिभाषाएं हमने अच्छे से दोहरा ली थी लाइव क्लास में भी। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद, विशेषण के भेदों की परिभाषाएं, विशेष्य किसे कहते हैं, और आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना कॉपी वर्क भी किया है। तो बच्चों, हमारा हिंदी व्याकरण में एक पेज रहता है जो अभी हमें बुक में करना है। आपका जो अभ्यास कार्य दिया गया है उनमें से थोड़ा सा अभ्यास कार्य रहता है, वो आज मैं आपको समझा देती हूँ, जो आपको अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक में करना है। अभ्यास कार्य 5, नीचे लिखे वाक्यों को उचित विशेषण लगाकर पूरा कीजिए। आपको ब्रैकेट में यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और आपको 2 ऑप्शंस में से जो करेक्ट है उसको फिल इन द ब्लैंक में, आपको रिक्त स्थान में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। जो सही विशेषण है उसे आप छांट कर रिक्त स्थान में लिखेंगे। ओके, डैश व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, योग्य व्यक्ति या योग व्यक्ति। ख, माता पिता अपने डैश पुत्र को देखकर फूले नहीं समाते, अपने सफल पुत्र को देखकर फूले नहीं समाते या विफल पुत्र को देखकर फूले नहीं समाते। ग, डैश संतरे बहुत मीठे होते हैं, नीले संतरे या पीले संतरे। घ, ताजमहल बहुत डैश है, खूबसूरत या खूब सूरत। ना, रानी लक्ष्मीबाई एक डैश महिला थी, वीर महिला थी या कायर महिला थी। आपको उचित विशेषण को छांटकर वाक्यों को पूरा करना है। अभ्यास कार्य 6, नीचे कुछ विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, उन्हें अलग अलग कीजिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि विशेषण हैं और विशेष्य हैं, आपको इन्हें अलग अलग लिखना है, यानी विशेषण वाले कॉलम में विशेषण छांटकर लिखने हैं और विशेष्य वाले कॉलम में विशेष्य शब्द छांटकर लिखने हैं। लंबी, श्वेत, मैदान, सुंदर, दृश्य, भार, मानसिक, दैनिक, सुख, मामा, दयालु, आम। तो इनमें से आप विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिख दीजिए। अब है आपका रचनात्मक कार्य। नीचे दिए गए चित्रों की कुछ ना कुछ विशेषता है जो लिखने में छूट गई है, आप पहचान कर लिखिए। नीचे आपको चित्र के साथ वाक्य दिया गया है, अधूरा वाक्य दिया गया है, इसमें से एक विशेषता छूट गई है, ठीक है, सभी वाक्यों में। तो आपको इनकी विशेषता चित्र देखकर, जो चित्र की विशेषता है, जो संज्ञा सर्वनाम दिया गया है, संज्ञा दी गई है, आपको उसकी विशेषता लिखकर वाक्य को पूरा करना है। लोमड़ी डैश है, मोर डैश पक्षी है, आम डैश होता है, दूध डैश होता है, कुतुब मीनार बहुत डैश है, करेला डैश होता है। तो आपको अभ्यास कार्य 5-6 बुक में करना है और रचनात्मक कार्य भी आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में करना है, ठीक है। आज का आपका गृह कार्य यही है और आपको इस पाठ को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, सभी परिभाषाओं को और सभी उदाहरणों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से पाठ, कौन सा पाठ है हमारा, ये पाठ 9 विशेषण, तो आप इसे अच्छे से पढ़कर इसको रेडी कर लीजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।